Once again, welcome to all of you. Good morning, बच्चों. हम लोग इस चैप्टर के मेंसुरेशन चैप्टर के 8th वीडियो में पहुंच गए. Now we are 8th lecture, having 8th lecture in the मेंसुरेशन क्लास. आप इसमें 7वें वीडियो में आपने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. आप जो ये वीडियो पढ़ेंगे इसमें आप पढ़ेंगे, पहले आपने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, फिर आपने क्यूब के बारे में पढ़ा, आज आप पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में. किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में आपको पढ़ना है. सिलेंडर जो मैंने सॉलिड शेप्स बताए थे उसमें क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन इस तरह के बताए गए थे, तो उसमें आप तीसरे में पहुंच गए नंबर पे सिलेंडर. अब आज हम सिलेंडर होता कैसे, पहले तो आप ये जान लो सिलेंडर. सिलेंडर कुछ इस तरह से इसका शेप होता है. जितने भी आपके घर पाइप, टंकी, सिलेंडर है सब इसी तरह के होते हैं. ये इसका शेप है. और हम लोग अब इसमें दो चीजों के बारे में बात करें. ये जो यहां से यहां तक है ये इसकी हाइट है सिलेंडर की. क्या है? हाइट है. ठीक, अब हम इसके बारे में, और मान लो अगर आप यहां से मिलाते हो तो ये नीचे एक सर्किल है और एक सर्किल ऊपर है, मतलब एक जिसको पेटी बोलते हैं गांव में, और ऊपर ढक्कन होता है. आप इन दोनों को, ये एक सर्किल होता है, ये एक सर्किल होता है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा ना. और ये अगर यहां से हम इसको मिला देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये भी इसकी हाइट होगी क्योंकि ये वो इसके बराबर हो जाएगा. तो आइए हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिलेंडर का LSA क्या होता है. LSA मींस, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेटरल सरफेस एरिया. क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया. सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr/h. इतना केवल होता है, 2πr/h. इस ये और हमेशा इसमें ही स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πr/h. इसको हम लोग अब 2 ये हो गया, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, r फॉर रेडियस, h फॉर हाइट. इस फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग तो हमको पता चल जाएगा कि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है. लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, अब ये जान लो. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एरिया ऑफ फोर वॉल्स, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल्स मींस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड. ठीक है, तो क्यूब में भी हो सकता है वो, क्यूबॉइड में भी हो सकता है, क्यूबॉइड में ही होगा ज्यादातर. तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हमेशा क्यूबॉइड में होगा क्योंकि कमरे स्क्वायर के शेप में कम बनते हैं, क्यूब के शेप में वो एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम ज्यादा बनते हैं. तो हम ऊपर की सीलिंग और नीचे की फर्श ये दो छोड़ देते हैं. सिलेंडर में क्या छोड़ेंगे? सिलेंडर में आप ये वाला ढक्कन और ये वाला ढक्कन, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, जो नीचे की तरफ कवर है और ऊपर की तरफ जो ढक्कन है उसको छोड़ देंगे. जो बाकी बचा शेप होगा उसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, जो ऐसे ऐसे घुमा हुआ होता है. ठीक है, उसका फॉर्मूला है 2πr/h. अगर आपको ये कहा जाए कि ये कपड़ा है, एक कागज है, इसको फोल्ड करके ऐसे सिलेंडर बनाओ, तो ऊपर और नीचे खुला रहेगा, तो वही जो कागज है वही उसका LSA है, लेटरल सरफेस एरिया. ये फॉर्मूला. अब हम बात करते हैं TSA. TSA मींस टोटल सरफेस एरिया. TSA मींस क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था कि ये तो होगा ही, LSA तो होगा ही होगा क्योंकि ये ऐसे से शेप में है, और एक रेडियस ऊपर है, एक रेडियस नीचे है, नीचे है, मींस 2πr/h प्लस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? πr2. एक सर्किल यहां है, एक सर्किल यहां है, तो क्या हो जाएगा? 2πr2. क्या हो जाएगा? 2πr2. अब देखो ध्यान से, आप इसमें क्या कॉमन है, अब इसमें आप 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r इसमें भी, r इसमें भी, तो हम कॉमन ले लेंगे 2πr. यहां बचेगा h और यहां बचेगा r, मींस TSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2πr/h+r. इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे और स्क्वायर यूनिट में. फिर से आप समझ लो, 2πr/h तो LSA हो गया राउंड. उसके बाद हम लोग ढक्कन और ये जो पेटी नीचे की तरफ लगती है जिसपे वो टिका होता है वो, उन दोनों का भी निकालेंगे. और ये सर्किल है नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, एरिया ऑफ सर्किल मैंने पढ़ाया था πr2, 1πr2 यहां, 1πr2 इधर, मींस 2πr/h+2πr2, 1πr2 and 1πr2, 2πr का मान ले मैंने दोनों से, 2πr/h+2 यूनिट में ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा. आइए सवाल देखते हैं. इतना होने के बाद हम लोग एक आध क्वेश्चन लगा लेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी. चलिए
लेट्स ट्राई आपकी ये है, सॉरी ये आपकी लेट्स ट्राई कौन सी हो जाएगी सिलेंडर में, लेट्स ट्राई 7। अब देखिए जो पहला सवाल है इसमें, पहले सवाल में आपके फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग केसेस, रिजल्ट रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया मींस वही LSA लेटरल सरफेस एरिया, जिसको आप LSA लिख रहे थे उसी को सिलेंडर में तो क्योंकि घुमा होता है तो CSA बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? CSA मींस कर्व सरफेस एरिया। क्या बोल देते हैं? CSA, इसको ध्यान से देख लेना, कर्व सरफेस, ये वही लेटरल सरफेस एरिया ही है, कर्व सरफेस एरिया मींस वो राउंड शेप में होता है ना, इसलिए कर्व बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया CSA। अब ये जो पहला चार्ट है इसको आप सब लोग करिएगा, मैं दूसरे क्वेश्चन से आप लोगों को बताता हूं, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स मेड बाय द फोल्डिंग ऑफ द नेट गिवन बिलो, टेक पाई इक्वल टू दिस, लीव आंसर टू वन डेसिमल प्लेस। अब देखो एक कागज वो दिया हुआ है, इस तरह की एक प्लेट दी हुई है, स्ट्रिप है, इसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर की हाइट है, ऊपर एक 11 सेंटीमीटर रेडियस का एक गोला है और नीचे की ओर एक 11 सेंटीमीटर की रेडियस का गोला है। जब हम इसको फोल्ड कर देंगे, इसको यहां से ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये 11 सेंटीमीटर की ओर नीचे की ओर बन जाएगा, 11 सेंटीमीटर ऊपर की ओर बन जाएगा, मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 11 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस जो है ये 11 सेंटीमीटर यहां है और 11 सेंटीमीटर की रेडियस यहां है। जब इसको आप बनाएंगे तो इसका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, बस उसी शेप का आपको केवल सवाल में आपको थोड़ा सा घुमा के कंफ्यूज किया है। अब इसको आप मान लो मोड़ दिया आपने तो आपके पास एक यहां ऐसे गोला बन जाएगा, सॉरी पहले आप इसको ले, ये ऐसे आपने बना लिया, यहां एक बन जाएगा और एक यहां बन जाएगा। अब इसकी रेडियस हो गई 11 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस हो गई 11 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। अब आप इजीली इसका जो भी पूछ रहा है वो निकाल सकते हो। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2πRh+R। अब आपके पास h है 8 सेंटीमीटर, r है 11 सेंटीमीटर और 2πR की वैल्यू आपको, 2π की वैल्यू आपको पता ही है, पाई इक्वल टू इसमें दिया है 3.14 कंसीडर करना है, 3.14, तो जहां पाई की वैल्यू आए वहां आप इतना रख लो और इसी में रखना है आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से देखिए आपको बुझाया हुआ है कि आप इसको बनाएंगे कैसे, फिगर ऐसे बन जाएगा आपका, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वीडियो को आप लोग देखिए और जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सकती हैं उतना आप लोग सॉल्व करिए इसमें, ठीक है। अब 2-3 चीजें और हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, एक वीडियो और बनेगा। आप ये इस चैप्टर में ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, आपको एक तो याद रखना है CSA इज इक्वल टू 2πRh और दूसरा याद रखना है आपको TSA इज इक्वल टू 2πRh+R। जब आपका TS टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो आप TSA लगाएंगे, जब कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो आप CSA लगाएंगे। फिर मैं बता देता हूं, जब कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो लिखा रहेगा कर्व सरफेस एरिया, अगर केवल आपसे कहता है कि सरफेस एरिया निकालो मींस आपको TSA निकालना है, ये बात आप ध्यान में रखिए क्योंकि कंफ्यूजन होती है, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं सर इसमें केवल लिखा है सरफेस एरिया निकालने के लिए तो हम कौन सा सरफेस एरिया निकालें, तो आपको जब केवल लिखा रहेगा कि सरफेस एरिया निकालो तो आप TSA निकालिए, जब कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा तो आपको दिया रहेगा कि इसमें आप कर्व सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। आप इतना लगाइए, जो चीजें नहीं समझ में आती है वो पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।